किसी भी अवतार के आने से पूर्व उसकी संपूर्ण लीला को लिखने के लिए किसी दिव्य आत्मा को भेजा जाता है। अब कलयुग में कल्कि अवतार है, उनकी 64 कलाएं हैं, उनकी 64 कलाएं जो हैं, उनकी हर कला का एक पारंगत व्यक्ति उनकी पूरी जानकारी रखेगा। 64 लोग होंगे, अलग अलग उन कलाओं में पारंगत, संपूर्ण 64 कलाओं में तो संपूर्ण पारंगत, तो संपूर्ण अवतार भगवान विष्णु के कल्कि अवतार हैं, मगर एक एक कलाओं के अलग अलग पारंगत होंगे, जो ये 64 के 64 मिलकर विशेष घटनाक्रम से उससे मिलेंगे जो कल्कि अवतार की लीला लिख रहा है। वे 64 के 64 लीला अलग अलग कलाओं की बताएंगे अपने गुरु को, और गुरु फिर उनको लिखेंगे। ये कोई बहुत अद्भुत बात नहीं है। आदमी चांद पे भी जाता है तो पहले उसकी प्लानिंग लिखता है, कुछ भी काम करता है तो पहले उसकी प्लानिंग लिखता है कि कैसे होगा। तो जब भगवान को अवतार लेना होता है तो उससे संबंधित अपनी सारी चीजें पहले ही व्यवस्थित करके भेजते हैं कि मैं कहाँ रहूँगा, कहाँ पैदा होऊंगा, कौन मेरे सखा बनेंगे, कहाँ पढ़ूंगा, तो वो सब चीज़ें पहले से ही एक तैयार होता है। जैसे फिल्म की तरह होता है ना, एक फिल्म बनानी होती है तो पहले से ही तैयार होता है कहानी क्या है, स्क्रिप्ट क्या है, डायलॉग क्या है, कहाँ शूटिंग होगी, कौन कौन रहेंगे, कौन डायरेक्टर होंगे, क्या क्या गीत संगीत होगा, क्या क्या सब चीज़ें तय होती हैं। तो ये तो ईश्वर की लीला है, ईश्वर का सब कुछ प्रताप है, इसमें सब कुछ उन्हीं का ही है। तो जब एक इंसान एक फिल्म बनाने में सब ये सब कर सकता है तो भगवान अपनी लीला में तो करते ही होंगे ना। तो ये सब चीज़ें जो समझने की बात यह है कि पहले से ही उनके आने से पहले उनका वातावरण तैयार हो रहा है, और जो हो ही रहा है, जो आप और हम जो बातें कर रहे हैं उनकी बातें करना ही ये सबूत है कि अब प्रकट होने का समय उनके नज़दीक है।